आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल का फैसला। एक दिन सम्राट अकबर के राज्य सभा में राजा बहुत ही खुश थे और सभी से कह रहे थे कि मुझे लगता है कि हमारी राज्य सभा बहुत ही अच्छे से चल रही है, यहाँ किसी को भी अन्याय नहीं होता, क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? तब सभी लोगों ने महाराज से कहा, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। राज्यसभा में बैठा हुआ था बीरबल, वो सहमत नहीं था। उसने महाराज से न हाँ कहा न ना कहा, वो बस चुपचाप वहां बैठा रहा। और राजा ने बीरबल को देखा। इससे पहले कि महाराज बीरबल से कुछ कहते, एक सैनिक आया और उसने बड़े ही अदब से सर झुका के राजा को सलाम किया। राजा ने उस सैनिक से कहा, कहो क्या बात है? तब सैनिक ने कहा, एक बूढ़ा सा दिखने वाला इंसान आया है अपनी शिकायत लेकर। तब राजा ने कहा, उन्हें अंदर लाया जाए। जैसे ही वो बूढ़ा सा दिखने वाला इंसान राज्यसभा में आया, उसने भी ठीक उसी तरह सर झुकाकर बड़े ही अदब से महाराज को सलाम किया। उसके बाद उसने अपनी आपबीती कहना शुरू की। वो बूढ़ा सा दिखने वाला इंसान पेशे से शिक्षक था। उसने कहा, मैं एक शिक्षक हूँ, कानून पढ़ाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक विद्यार्थी आया था। उसने कहा कि मैं कानून पढ़ना चाहता हूँ, पर पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब दे देना, मैं तुम्हें कानून जरूर पढ़ाऊंगा। और इस तरह मैंने उसे कानून पढ़ाया। और जब पढ़ाई पूरी हो गई, तब उसने मुझे वादा किया कि जिस दिन मैं अपना पहला मुकाबला लड़ूंगा, उस दिन मैं आपको आपकी गुरु दक्षिणा दे दूंगा। शिक्षक ने कहा, महाराज अब तो एक साल से भी ऊपर होने आया है, अब तक इसने मेरे पैसे नहीं चुकाए, मेरे साथ इंसाफ करें। तब राजा ने उस विद्यार्थी को देखा और उससे पूछा, जो तुम्हारे शिक्षक कह रहे हैं क्या वो सच है? तब उस विद्यार्थी ने सीना तान कर कहा, हाँ बिल्कुल सच है। फिर राजा ने कहा, तो फिर तुम इन्हें इनके पैसे चुका क्यों नहीं देते? तब विद्यार्थी ने कहा, महाराज मैंने अब तक अपना पहला मुकाबला लड़ा ही नहीं, तो मैं इनको पैसे कैसे चुकाऊं? फिर शिक्षक ने कहा विद्यार्थी से कि अब तो तुम्हारे पास बहुत से पैसे हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी की जायदाद मिल गई है। विद्यार्थी ने राजा से कहा, इसीलिए तो अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब मैं क्यों कोई मुकाबला लड़ूं, क्यों कमाने जाऊं, और जब मैंने पहला मुकाबला लड़ा ही नहीं तो मैं इनको पैसे ही क्यों चुकाऊं? तब राजा ने शिक्षक से कहा कि आपके विद्यार्थी ने बात तो सही कही है, फैसला तो उन्हीं के हक में जाता है। और तब विद्यार्थी ने बड़े ही इतराते हुए उसके गुरु की ओर देखा और वहां से चलते बना। वो बस सभा से बाहर निकल ही रहा था कि एक पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। और बीरबल सभा मंडप में खड़े हुए। राजा ने सोचा कि बीरबल जरूर अपनी कोई चतुराई दिखाएंगे और शिक्षक के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। राजा बीरबल के कुछ बोलने की राह देख रहे थे और बीरबल ने अपना वार्तालाप विद्यार्थी के साथ शुरू किया। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने अपने शिक्षक से वादा किया था कि जब तुम अपना पहला मुकाबला जीतोगे तब उन्हें उनकी गुरु दक्षिणा चुका दोगे? जी हाँ बिल्कुल, उस विद्यार्थी ने कहा। तो बीरबल ने कहा, तो फिर तो तुम अपना पहला मुकाबला जीत चुके हो इस राज्यसभा में। और सारे ही खुश हो गए और विद्यार्थी का मुंह छोटा हो गया। और ये सुनते ही विद्यार्थी ने अपनी हार मान ली। उसने नजरें झुकाकर अपने गुरु को उनकी गुरु दक्षिणा दे दी और वहां से निकल गया। तो देखा आपने, ये विद्यार्थी, उसमें चतुराई का कितना बड़ा गुण था। वो कानून की पढ़ाई कर रहा था पर उसने अपनी चतुराई के गुण का दुरुपयोग किया और अपने ही गुरु के साथ विश्वासघात किया। अगर हमारे साथ कोई धोखा करे तो अपने हक की लड़ाई हमें लड़नी ही चाहिए। हरे कृष्ण।